महापरिवर्तन आंदोलन करने निकले पूर्व डीजीपी। अरवल 9 नंबर पुल के समीप कैलाश भवन में महापरिवर्तन आंदोलन जिला इकाई अरवल की बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे महापरिवर्तन आंदोलन के प्रणेता वरिष्ठ आईपीएस बीके सिंह, सह वर्तमान सलाहकार पंजाब सरकार एवं पूर्व डीजीपी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में ग्राम संगठन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर ही बिहार के हर जिले में घूम घूम कर बताने का काम किया जा रहा है, जिससे बिहार में पूरी तरह से अपराध रुक जाएगा और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम संगठन जमीन से जुड़े हुए लोग रहेंगे और एक दूसरे को समझाने बुझाने में मदद करेंगे। और उन्होंने कहा कि उससे जिला का भी नाम रोशन होगा और गांव के लोगों को जो भी समस्याएं होगी उनको निष्पादन करने का काम करेंगे, और इस पर काम चालू कर दिया गया है। एक साल में लगभग लगभग सारे बिहार के जिलों में ग्राम संगठन का काम शुरू हो जाएगा। इस बैठक में शामिल धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, गुड्डू कुमार, मनोज कुमार के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यूज फॉर बिहार के लिए अरवल से विश्वनाथ कुमार की रिपोर्ट। वाद विवाद ही समाज, ताकि कानून व्यवस्था बदले, आपस में लोग न रहे, कोर्ट के चले न जाए और एक कानून व्यवस्था में सुधरे की शांति व्यवस्था कायम होगी तो यह कल कारखाने आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा स्वास्थ्य, हर जगह हर महीने में लोग स्वच्छता अभियान चलाए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य पर खर्च न करना पड़े। हर गांव रिजॉर्ट की तरह देखे, चाहे लोगों को आरोप पर जाना बाकी न जमीन खरीद कर पुरथा में ही जमीन खरीदें और गाँवों में भी रिजॉर्ट की तरह देखें। तीसरा, बिहार सबसे अशिक्षित राज्य है पूरे देश में, हमको तो इतनी शर्म आती है, मुझको लगता है कि अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ रहता तो ये स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन चूंकि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, यही मेरी मातृभूमि है, तो इसको इस खंडहर से उबारना मेरा कर्तव्य है।